जब मैं प्रभु में नया नया आया, बोलो क्या आया? आपने मेरी सुनी गवाही, जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, 3 महीने का बेबी था, मिसकैरेज हो गया, जबकि बड़ा विश्वास किया, फेथ मेरा बड़ा था, चाहे ज्ञान के बारे मुझे उस समय ज्यादा नॉलेज नहीं थी, पर फेथ में बड़ा स्ट्रांग था मैं। जब डॉक्टर ने, नर्स ने कहा सॉरी बेबी डेड है, 3 महीने का टाइम था, तो मैंने इसे उत्साहित किया, मैंने कहा कुछ नहीं, हमने रिपोर्ट को फाड़ दिया, जितने अबॉर्शन के लिए पैसे चाहिए थे 4,000 उन दिनों में वो मांग रहे थे, तो कहते चलो आपका पहला बच्चा 3,000 दे दो, मैंने 3 का 3 वो दान में आकर डाल दिया। मैंने बोला परमेश्वर तुझे दे दिया, तू देख सब कुछ तू अच्छा कर चुका है, डॉक्टर जो बोलते हैं बोल दें, पर मेरा उस समय काम नहीं हुआ, जबकि फेथ मैंने बड़ा स्ट्रांग किया, पर फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। पर जब मेरा काम नहीं हुआ, फिर से अबॉर्शन करना पड़ा, पहले तो आपने सुना ना मेरी गवाही को, फिर से अबॉर्शन करना पड़ा, ऐसा नहीं कि मैं उस समय मन खराब कर रहा हूं, ल परमेश्वर तू भी कह दा परमेश्वर ल जी, हाँ मेरा तो नुकसान हो गया, मैंने तो देख कितना विश्वास किया, पैसे भी डाल दिए, काम तो तूने किया नहीं है, जा मैंने नहीं आज से विश्वास करना, जा मैंने नहीं तेरे साथ चलना, पर मैंने मन को धीन किया, मैं जानता हूं कि परमेश्वर कभी भी किसी से, मैं समझ चुका था, शुरू में समझ चुका था ना कि अब मैं जाऊं तो जाऊं किसके पास, कोई और तो है नहीं, ये बड़ा जरूरी है, अब दूसरा तो है नहीं कोई जिसके पास मैं जाऊं। यही बात दाऊद भी कहता था, जब लिखा दाऊद ने दुष्टों का कुशल देखा, अब 70 जबूर देखना, 73 भजन संहिता, वो कहता मैंने दुष्टों का जब कुशल देखा तो मेरे डग मेरे पैर उखड़ने वाले थे, बोलो क्या थे मेरे पैर, मैं उनके विषय में अपने उन घमंडियों के विषय में डाक करता था, गुस्सा करता था परमेश्वर से, लो लो परमेश्वर मैं तुझे मानता हूं, मैं तो तेरी उपासना करता हूं, मैं तो तेरी आराधना करता हूं, देख ये लोग तो संसार के लोग हैं, ये देख कितने आनंद से खुशियों से जीवन जी रहे, देख मैं तो दुखी क्या हूं मैं तो, कहता जब तक मैं परमेश्वर के पास नहीं गया, उनके प्रमाण के बारे नहीं सोचा कि उनके बाद उनके साथ होने वाला क्या है, हम जानते हैं, बोलो क्या है, इसीलिए यीशु मसीह ने जूना के बारे भी बताया और सुलेमान के बारे भी बताया कि उस युग के लोग तुम्हें न्याय के दिन वो तुम्हें दोषी ठहराएंगे, तुम मन नहीं फिर आ रहे, तुम टाइम लगता आ जाती हो, जान जान कुछ चाहिए तब नहीं, ऐसे मत करो, खुदा को बोलो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही घर से परमेश्वर से बोलो ना, तुम्हारा घर से विरोध आ रहा है किससे बोलो, कौन सी, अगर नहीं कोई विरोध घर में तो फिर बढ़ जाओ उसकी इच्छा में, तेजी से बढ़ जाओ, देखो क्या करता है, जो तुम्हें रोज जीने के लिए सांस दे रहा है। हाँ यीशु मसीह ने कहा सूरज सबके लिए निकला है, क्योंकि सूरज को किसने बनाया, मैं यही बात शुरू में समझ चुका था, अगर मैं ना समझता, मैं ना उस बात को समझा होता तो शायद उन दिनों में मैंने छोड़ देना था, आज मैं सेविक ना होता, अगर मैं ना समझ पाता कि परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं, अब मैं किसके पास जाऊं, अगर मेरा काम खुदा ने नहीं किया, मेरा नुकसान हो गया, परमेश्वर ने मेरे बेटे को मेरे बच्चे को जिंदा नहीं किया, मैं किसके पास जाऊं, मैं समझ चुका था कि कोई और है नहीं, क्योंकि सबसे पहले मेरे बात में मेरे यहन में ये बात लिखी गई थी कि मैं तो नशों में मरने वाला था, क्या करने वाला था, मैं तो नशों में मरने वाला था, अगर खुदा ने मुझे उससे बचाया, मेरी शादी कर दी, मुझे एक जीवन साथी दे दिया, जीने के लिए उसने मुझे जीवन दे दिया, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे भी सोचता था, क्योंकि शरीर में नहीं था, जैसे शरीर में होते हो छोटी छोटी चीज से मन करा, बोलो क्या है, इसलिए मैं बना रहा, मन नहीं खराब किया, जब नहीं किया और बड़ा उसके राज्य की सोच में और उसके ज्ञान में मैंने सीखना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया,
खुदा ने दो दो कीक दे दी। बोलो क्या है? जो बच्चा 3 महीने का, हमने नर्स से पूछा वो क्या था, कहते वो लड़की थी। अगर वो बचती भी तो वो लड़की थी। अब ये नहीं है कि लड़कियां अच्छी नहीं है, क्योंकि गर्भ का फल किसकी ओर से है, चाहे लड़की या चाहे लड़का। बोलो क्या है? पर परमेश्वर जानता है। अगर उस समय में मन खराब कर ले तो शायद कुछ भी ना होता, जीवन में मिलता है, पृथ्वी में ना मिलता, मैं स्वर्ग का भी ना वारस बनता। फिर मेरी वो बात हो जाती तो बीदा कुत्ता ना करदा ना काटदा, ना मैं धरती का रहना ही ना स्वर्ग का। पर मैंने मन को बनाकर रखा, इसलिए मैं पृथ्वी का भी वारस बन गया और उसके स्वर्ग का भी। आमीन।